नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट थ्री। सबसे पहले मैं आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इंट्रोडक्शन क्लास जाकर देखिए, और उसके बाद आप पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर इस तरह से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले इजी लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं और उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल मैंने बढ़ाया है। तो आप अगर इस तरह देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न पर। चूंकि यहाँ पे मैं फॉर्मूला कुछ बताने जा रहा हूँ तो उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी को हम लिखते हैं VREL। तो ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया चालों का संबंध। दो ट्रेन है, उनके चालों के संबंध को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, और रिलेटिव वेलोसिटी को शॉर्ट में हम लिखते हैं VREL। ठीक, इसी तरह से आपका रिलेटिव डिस्टेंस है। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब हुआ कि दूरियों का संबंध, यानी दो दूरियां हैं उनके दूरियों के संबंध को हम बोलेंगे रिलेटिव डिस्टेंस, और इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे DREL। ठीक, ये दोनों चीज़ अब समझ गए। अब समझिएगा दूसरा चीज़। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी में दो फॉर्मूला आता है। एक आता है आपको रिलेटिव वेलोसिटी जब आपका ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो। मान लीजिए कि एक ट्रेन इधर से आ रहा हो और दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा हो, यानी एक ट्रेन जो है सामने से जा रहा है, उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन से दूसरा ट्रेन आ रहा है, तो उस समय हम उनके चालों को जोड़ देंगे। उस समय हम उनके दो चाल दोनों दोनों का जो चाल होगा दोनों का जो चाल होगा, मान लीजिए इसका चाल V1 है और इसका चाल V2 है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसका चाल हो जाएगा V1+V2। बात समझ में आ गया, और यही बात मैंने यहाँ बताया है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या होगा कि ट्रेन जो है एक चल रहा है राइट साइड में और दूसरा ट्रेन भी राइट साइड में चल रहा है। जब दोनों ट्रेन राइट साइड में चल रहा है और दोनों का चाल दिया हुआ है, इसका भी चाल दिया हुआ है और इसका भी चाल दिया हुआ है, तो दोनों के चाल को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला घटा देंगे। मान लीजिए V1 बड़ा है तो V2 को उसमें घटा देंगे, तो V1-V2। ठीक है, इन सेम डायरेक्शन, जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में होगा तब ये कंडीशन होगा। ठीक, अगला देखिएगा, रिलेटिव डिस्टेंस यानी कि दूरियों का संबंध। तो दूरियों का संबंध जो होगा किस तरह होगा, DREL से हम डिनोट करते हैं इसको, DREL। इसको हम D1+D2 यानी इन बोथ डायरेक्शन, अगर ट्रेन आपको अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो दोनों के लंबाई का जो आपको संबंध होगा उसको हम जोड़ेंगे, और यदि ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है तब भी हम उनकी लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बात समझ में आ गया, यानी ट्रेन का जो लंबाई है, चाहे वह ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा हो और चाहे वह ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, उनकी लंबाई जो होगा उसको हम हमेशा जोड़ के लिखेंगे। बात समझ में आ गया। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय, क्रॉसिंग करने में लगा समय का मतलब क्या हुआ, कोई ट्रेन है, इस ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा ट्रेन आ रहा है और इस ट्रेन को क्या किया, क्रॉस कर गया, पार कर गया, ये जो ट्रेन है एक दूसरे को पार कर गया, तो यही हो गया आपको क्रॉसिंग करने में लगा समय। और इसको क्रॉस करने में दूसरे ट्रेन को जो समय लगा पार करने में, वही क्रॉसिंग करने में लगा समय है। अब क्रॉसिंग करने में लगा समय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रिलेटिव डिस्टेंस अब बटा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस अब बटा रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, बात समझ में आ गई, याद कर लीजिएगा। तो इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी अब बटा चाल। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, दूरी आपका हो गया रिलेटिव डिस्टेंस और चाल हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, तो क्रॉसिंग करने में लगा समय होगा, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी आपको और रिलेटिव डिस्टेंस में ये ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस होगा, चाहे वह ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चले और चाहे वह ट्रेन आपको सेम डायरेक्शन में चले, ये हमेशा जोड़िए के लिखाएगा। और जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो जोड़ के लिखेंगे, और जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो घटा के लिखेंगे, और जो बड़ा होगा उसमें से छोट का घटा देंगे। बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए, मैंने लिखा है कि नोट 1, विपरीत दिशा में हमेशा चाल जुड़ेगा, विपरीत दिशा में हमेशा चाल जुड़ेगा। देखिए जुड़ा है ना, V1+V2, और जो आपको लंबाई जुड़ेगा और समान दिशा में घटेगा, तो देखिए यहाँ पे समान दिशा में घटा है इन सेम डायरेक्शन, तो V1 में से V2 घटा है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घट जाएगा। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि विपरीत दिशा में
चाल हमेशा जुड़ेगा, विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ेगा तो जोड़ दिया हमने, और कह रहा है कि समान दिशा में चाल घटेगा तो घटा दिया हमने। अब देखिए नीचे कह रहा है नोट टू, नोट टू कह रहा है कि लंबाई दोनों दिशा में जुड़ेगा, तो लंबाई दोनों दिशा में हमारा क्या है, जुड़ रहा है, जुड़ रहा है ना, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, इन बोथ डायरेक्शन, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए बहुत काम आएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है आपका कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 2.12 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी एक पुल को 2.12 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, आ यहाँ समय दे दिया है 2.12 मिनट, तो भैया जब ये मिनट में है तो इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कीजिएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2.12 तो ही हो जाएगा, 2 से 2 गुना कीजिएगा 4, 2 दूनी के, और उसके बाद 1 जोड़ दीजिएगा तो 5/2। अब 5/2 में 60 से गुना कर दीजिए, तो 5/2 में 60 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आप करके देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका कट गया, तो यहाँ हो गया 30 दूनी 60, आप 5 से 3 गुना कीजिएगा तो 5 3 15, यानी 150 सेकेंड आपको आ गया, 2.12 मिनट में 150 सेकेंड होगा, यानी 150 सेकेंड में चेंज हो गया। अब आपको करना यह है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो मैंने आपको डाटा इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कहने का मतलब 18 के पहाड़ा में चार चार बार में आपको 72 आएगा, 18 चौके 72, तो 5 के पहाड़ा में 4 बार में आ जाएगा, 5 चौके 20 यानी 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक। अब आपको जब चाल मालूम है, आपको समय मालूम है, आपको निकालना क्या है, पुल की लंबाई। अरे भाई पुल की लंबाई निकालना है तो दूरी ना निकालना है, तो दूरी का फॉर्म लगा दीजिए, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुने समय, तो चाल आपको 20 मीटर प्रति सेकंड, समय आपको 150 सेकंड, तो गुना कर दीजिए, सेकंड से सेकंड कट गया, आपको 15 दूनी कितना हो गया 30, एगो जीरो बैठा दीजिए, यानी कहने का मतलब यह हो गया कि आपको 3000 मीटर, दो गो जीरो बैठेगा, 3000 मीटर आपको जो है वह पुल की लंबाई हो गई। और यह जो पुल की लंबाई आपको निकला है, यह जो आपको पुल की लंबाई निकल गया, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और आप अब कह दीजिएगा कि हाँ बिल्कुल निकल गया, लेकिन नहीं मेरे भाई, ये पुल की लंबाई नहीं निकला है, ये आपको निकला जो अभी, ये निकला है ट्रेन आ प्लस पुल के लंबाई, ट्रेन आ प्लस पुल के लंबाई निकला है, ट्रेन आ प्लस पुल के लंबाई। अब आपको पुले के लंबाई खाली निकालना है, तो पुल के लंबाई कैसे निकलेगा, पुल के लंबाई निकलेगा जब ट्रेन के लंबाई मालूम रहेगा तब तो, ट्रेन के लंबाई देवे नहीं किया है, टोटल ट्रेन और पुल के लंबाई आपको निकल गया दोनों को 3000 मीटर, दोनों को मिला के, तो जब दोनों को मिला के निकला है तो ट्रेन के लंबाई निकल रहेगा, तो ट्रेन के लंबाई घटा दीजिएगा टोटल में, तो आपको पुल के लंबाई निकल जाएगा ना, और ट्रेन के लंबाई देवे नहीं किया है, तो इसीलिए पुल के लंबाई नहीं ज्ञात किया जा सकता है, डाटा इनवैलिड है, डाटा क्या है, इनवैलिड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी या ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। चाल पूछा है, यहाँ पूछा क्या है, चाल पूछा है, तो चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाल का फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय हो जाएगा, है ना। तो आपको दूरी कितना दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है, 150 मीटर हम क्यों लिए, क्योंकि यहाँ आदमी को पार करवाना है, आई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो प्लेटफॉर्म से नहीं हमको निकालना है, हमको आदमी से निकालना है, तो आदमी का जो डिस्टेंस होता है वो नेग्लिजेबल डिस्टेंस होता है, और नेग्लिजेबल डिस्टेंस की वस्तु को पार करने के लिए ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई पार करनी होती है, इसीलिए यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई ना तो दिया हुआ है और ना ही हमको इसकी कोई ज़रूरत है, हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई 150 मीटर दिया हुआ है, तो 150 मीटर ट्रेन की लंबाई है तो काफ़ी है, इनफ आप है, डेटा हमारे पास है, तो डाटा आप लिख दीजिए दूरी में 150 मीटर और 15 सेकंड आपको दिया है समय, बटा 15 सेकंड, और उसके बाद आप कटा दीजिए इसको 15 से 150 को, तो कट जाएगा 10 बार में, 15 दहा 150, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आपको ट्रेन के चाल हो गया। और किलोमीटर प्रति घंटा में अगर पूछता तो यहाँ पे 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपको जो हो गया ट्रेन के चाल हो गया, ठीक। ये कैसे हम निकाले हैं इंट्रोडक्शन क्लास में जाके देखिएगा, आपको मैंने डाटा बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है, एक प्लेटफार्म को 1 सेकंड में पार कर जाती है, एक प्लेटफार्म को 1 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है, एक प्लेटफार्म को 1 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई आपको निकालना है। निग्लिजेबल डिस्टेंस की वस्तु, मैंने बताया है इंट्रोडक्शन क्लास में, निग्लिजेबल डिस्टेंस की वस्तु जैसे पेड़ हो गया, ट्री हो गया, पॉइंट हो गया, पोल हो गया, इसको पार करने में ट्रेन को सिर्फ अपनी लंबाई पार करनी होती है, लेकिन प्लेटफॉर्म को पार करने में प्लेटफॉर्म की लंबाई है प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों को पार करना होता है, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म को वो 1 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ही नहीं है, खाली रेल की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, तो डाटा इनवैलिड ना हो गया, डाटा इनवैलिड ना हो गया, डाटा इनवैलिड हो गया। अब मान लीजिए हम निकालते भी हम हैं, तो आप इस तरह अगर निकाल देते हैं कि दूरी आप चाल आपको देबे किया है 160 किलोमीटर प्रति घंटा, आ यहाँ पे 160 किलोमीटर प्रति घंटा आपको चाल दिया है, समय देबे किया है 1 सेकंड, आ दूरी आप समझ करके निकाल दीजिएगा कि हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई मिली जाए, सॉरी रेलगाड़ी की लंबाई मिली जाएगा, तो निकालिए, निकाल के देख लीजिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे चाल रख दी या समय रख दिया, ये दूरी हो गया, दूरी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा, तो मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा आपको, निकाल दीजिए इसको, तो ये तो 18 के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो चलिए हम इसको इस तरह से निकाल लेते हैं, सिंपल सी बात है, आपको करना ये है कि 160 लिख लीजिए, आपको छोटा वाला निकालना है, तो छोटा से गुना, यानी कहने का मतलब 5/18 से गुना कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 18, ये कट जाएगा 9 दूनी 18, ये कट जाएगा आपको 8 दूनी 16, यानी 80 बार में, फिर ये आपको कटेगा नहीं कटेगा, यानी कहने का मतलब कि आपको हो जाएगा 8 5 40, यानी 400/9, 400/9, 400/9, इसको पॉइंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद गुना कर दीजिए 1 सेकंड से, तो आपको निकल गया क्या, ये निकला आपको ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल गया, और ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई में से प्लेटफॉर्म की लंबाई घटाइएगा तो रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगा, और यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई देबे नहीं किया है क्वेश्चन में, तो कहाँ से ट्रेन की लंबाई निकलेगा, तो इसीलिए सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई और प्लस में उस सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु की लंबाई, यानी कि ब्रिज हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, पुल हो गया, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो ट्रेन के लंबाई की अपेक्षा सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु हो, तो आपको जो है पार कराने के लिए दोनों का डिस्टेंस पार करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो है लंबाई है ये नहीं है उसका, तो ये डाटा इनवैलिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है, उसे 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करना है, करने में 12 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक ट्रेन 370 मीटर लंबी है और उसे 50 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में 12 सेकंड लगते हैं, तो ट्रेन की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। अरे भाई यहाँ ध्यान दीजिए, सुरंग पार करना है, एक लंबा सुरंग पार करना है, और सुरंग को पार करना है तो यानी सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु है, और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई या प्लस में सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु की लंबाई दोनों को पार करना होता है, और दोनों की लंबाई यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 370 मीटर और यहाँ दिया है 50 मीटर। देखिए 50 मीटर आपको सुरंग है और 370 मीटर का ट्रेन है, ये दोनों के लंबाई को जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 420, और यही आपका दूरी होगा, यही आपका दूरी पार करवाना है, तो यहाँ आप 420 लिखिए या चाहे 370+50 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे आपको समय दिया ही हुआ है 12 सेकंड में पार करती है, तो बटा 12 सेकंड, इसके बाद आपको 12 से 420 कटा दीजिए, 35 बार में कट जाएगा, तो 35 मीटर प्रति सेकंड आपको जो हो गया चाल हो गया रेलगाड़ी का, और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 5 × 7 = 35 और 18 × 7 = 126 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल हो गया आपको रेलगाड़ी का। ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, और सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन क्लास जो है उसको देखिए सबसे पहले, यानी पार्ट 1 से देखिए, और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से देखिएगा, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अलविदा।